किरण सुनते ही आपके सामने ऑफकोर्स शाहरुख खान का चेहरा नजर आ जाता है, लेकिन ये आमिर खान का भी चेहरा हो सकता था। जब लंबे फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी तो यश चोपड़ा काफी फाइनेंशियल मेस में थे, और इसी के बनते उन्होंने अपने प्रोडक्शन के बाहर एक फिल्म साइन की थी जिसका नाम था परंपरा। और इस फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात हुई आमिर खान के साथ, और इसी फिल्म के शूटिंग के दरमियान उन्होंने आमिर को डर फिल्म का वन लाइनर आइडिया सुनाया। आमिर अग्रीड टू डू द फिल्म क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग रोल था, और वन थिंग लेड टू अनदर, फिल्म में जूही चावला आ गई, सनी देओल आ गए। आमिर के लिए उस वक्त उदित नारायण गाते थे तो उदित नारायण की आवाज में गाने भी रिकॉर्ड हुए, लेकिन तभी सनी देओल को मिल गया नेशनल अवार्ड। और कहते हैं शायद आमिर थोड़े से इनसिक्योर हो गए थे, तो आमिर ने दो चीजों की डिमांड। जब मैं कोई भी फिल्म करता हूँ जिसमें दो हीरो हों या एक से ज्यादा हीरो हो, तो मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें साथ बैठाकर कहानी सुनाए, तो इस केस में दैट वाज नॉट पॉसिबल। और दूसरा था कि फिल्म के क्लाइमैक्स में ओरिजिनली सनी जो है वो आमिर के कैरेक्टर को बहुत मारते, तो आमिर ने कहा यार मैं भी एक दो पंच मार दूं, लेकिन यश चोपड़ा ने ये दोनों डिमांड कैंसिल कर दी। तो ऑफकोर्स आमिर खान लेफ्ट द फिल्म, और कुछ वक्त के बाद फाइनली फिल्म में आ गए शाहरुख खान, और कहते हैं कि उन्होंने दोस्ती की आदित्य चोपड़ा से जो कि उस फिल्म में असिस्टेंट थे, और दोस्ती से पटाके थोड़ा कुछ करके अपना चाम चला के उन्होंने वो सारी चीजें की जो आमिर करना चाहते थे। एंड दैट्स हाउ वी गॉट शाहरुख खान टू से किरण इन द मूवी डर। वेल सही कहा है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, शाहरुख डज दैट।